हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मंडी में रिलीफ एंड रिस्टोरेशन कार्यों का जायजा लेने के बाद प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि हिमाचल में पहली बार इतनी भयानक त्रासदी हुई है। मनाली में फंसे 40,000 लोगों को अब तक सुरक्षित निकाला गया है। प्रदेश को लगभग 4,000 करोड़ रूपये का नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान जल शक्ति विभाग को हुआ है। आईपीएच की करीब 1,000 पेयजल योजनाएं ध्वस्त हुई है, क्योंकि ये पेयजल योजनाएं नदी किनारे थी। पानी का तेज बहाव होने के चलते पंप और मशीनों को भी हानि पहुंची है, तो वहीं कई मशीनें पानी के बहाव में बह गई। वहीं मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग हम साथ होने की बात कर रहे हैं, सिंपथी दे रहे हैं, वो लोग महज साथ चलने की बात ना कहें, बल्कि इस वक्त केंद्र से आर्थिक सहायता की मदद करें। भारत का एक बहुत बड़ा क्षेत्र में चला, लगभग 40,000 लोगों को अभी तक इवैक्यूएट किया जा सके जा चुका है, और प्रदेश को 4,000 करोड़ रुपए की जो है चपत इसमें लगी है। और हमारा जो जल शक्ति मंत्रालय है प्रदेश का, सबसे बड़ा नुकसान इस विभाग को हुआ है। 1,000 करोड़ रुपए की हमारी योजनाएं जो है वो ध्वस्त हो गई है, क्योंकि हमारे मैक्सिमम सोर्स जो है वो नदी के किनारे है, और नदी के किनारे होने की वजह से जब नदियों बाढ़ की स्थिति आई, उसमें हमारे पंप हाउस, हमारे पंपिंग मशीनरी और हमारी लाइनें, हमारे सोर्स जो है सारे या तो वो ध्वस्त हो गए या बह गए, या फिर उनमें एसिड भर गई, गाद भर गया या पानी भर गया। कि हमारे साथ बहुत से लोग जो हैं सिंपथी जता रहे हैं कि हम भी आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं, तो लिप सिंपथी से कुछ नहीं चलेगा। हमारी जो है जो नुकसान हुआ है, हमारे पहाड़ी प्रदेश है और एक कर्ज में डूबा हुआ प्रदेश है, हमारी मदद की जाए, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि केंद्र जो है हमारी मदद के लिए जो है, पहले हमने तो कहा था कि आप इसको आपदा घोषित करें, उन्होंने नहीं किया। हम कहते हैं कि आप पैकेज दें, अभी तक उन्होंने नहीं किया। अब हम जो है अपने नुकसान का जब तो पूरा मूल्यांकन करके भेज रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि उसका कम से कम कुछ हिस्सा जो है हिमाचल को आए, ताकि रिलीफ एंड रेस्टोरेशन को गति दी जा सके। जगह जगह दंगे चले गए हैं, सड़कें चली गई हैं, हम अपने रिसोर्सेज से भी कोई कमी नहीं आने दे रहे हैं कि लोगों की मदद के लिए। लेकिन जो लोग बार बार कह रहे हैं कि जो है हम साथ हैं, तो उनसे हमारा आग्रह है कि साथ की डेफिनेशन को थोड़ा इम्प्रूव करें। मंडी में पानी की व्यवस्था के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। मैं पिछले 2 दिन से खुद कैंप कर रहा हूँ मंडी के लिए, ताकि इनको किसी चीज़ की विभाग को कोई कमी ना आए। और ये दोनों स्कीमें मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट के ऑफिसर, हमारे जो नीचे तक के कर्मचारी हैं, बहुत आप देख सकते हैं जाके स्कीम में किस परिस्थिति में काम कर रहे हैं, लेबर के लोग किस परिस्थिति में काम कर रहे हैं, ये सारे फोटो आप देख रहे हैं, लेबर के किस ढंग से कहाँ पे जाके अंदर लगी हुई है इनको रिकवर करने के लिए और इनको ठीक करने के लिए। और इसी ढंग से कुल्लू के सारा भाई की हमारी है, देखो आप पूरी की पूरी अभी 7 करोड़ की स्कीम है, अभी इसका इसको जनता को समर्पित भी नहीं किया गया था, ये सारी जो है बहा के ले गई नदी, और इसका बस ये आउटलेट से बचे हैं, और नीचे पूरी की पूरी स्कीम की पूरी तबाही हो गई है। ऐसे हमारी सैकड़ों स्कीमें हैं, क्योंकि हमारी जो स्कीमें हैं ये आप देख रहे हैं सारी नदियों में है,
और बाढ़ नदी में आई है, तो अब जैसे कुल्लू की सर्वरी की स्कीम हमने 3 MLD की तो बहाल की है, युद्ध स्तर पे काम चल रहा है, सारे विभाग की पहले ही छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, सारे अफसरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, सारे फील्ड में है और रात्रि में काम चल रहा है। पूरी रात जब लोग घरों में सो रहे हैं तो सिंचाई विभाग के कर्मचारी अफसर दिन रात इन स्कीमों को बहाल करने के लिए लगे।